जय हिंद। बीपीएससी 65 का हम लोग थीम बेस्ड क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन को जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होगा। हम लोग 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को देख चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो पहला आपका भील गुजराती आपका सही है, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में मिलती है और आपका कोटा जो है आपका तमिलनाडु में आएगा, टोडा भी आपका तमिलनाडु में आता है। तमिलनाडु के कौन से क्षेत्र में, तो नीलगिरी क्षेत्र में आते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर ये बसते हैं टोडा जनजाति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कुछ और जनजाति का, तो यहाँ पे कुछ और जनजाति हो गई जैसे कि अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में कौन कौन से जनजाति आते हैं, तो आपका जारवा आते हैं, ओंग आते हैं, सैम्पेन आएंगे, फिर सेंट्रली जाता है। उसके बाद जो आपका झारखंड में कौन आएंगे, झारखंड में आते हैं संथाल आते हैं, हो आते हैं, मुंडा आता है और ओराव आते हैं, यानी संथाल हो ओराव मुंडा आते हैं। गद्दी जो आपका हिमाचल प्रदेश में आएगा, सहरिया जो है आपका सहरिया जनजाति एमपी और राजस्थान में मिलते हैं, एमपी राजस्थान में सहरिया जनजाति मिलते हैं। बात करते हैं थारू जनजाति का, थारू ये आपका यूपी और बिहार में मिलते हैं, यूपी और बिहार में थारू जनजाति मिलती है और ये जो है दिवाली को शेखसो के रूप में मनाते हैं। नागालैंड में मिलता है आपका अंगमीज, अंगमीज जो आपका नागालैंड में और नागा ट्राइब भी नागालैंड में मिलता है। राजस्थान में कौन कौन मिलते हैं, राजस्थान में मीना मिलते हैं, ग्रासिया ग्रासिया मिलता है, ग्रासिया और मंगानियर, तो मीना ग्रासिया और मंगानियर जो है आपका राजस्थान में मिलते हैं। इसके बाद जो आपका गोंड मिलता है, गोंड का देख लीजिए सेकेंड मोस्ट जो पॉपुलेटेड आपका ट्राइब है कौन सी है, गोंड है, जो कि आपका यूपी एमपी और छत्तीसगढ़ में मिलता है। गोंड आपका यूपी एमपी छत्तीसगढ़ में मिलता है। फिर जो आपका भील्स आते हैं, भील्स आते हैं एमपी में आते हैं, गुजरात में आता है और राजस्थान में आता है। एमपी जो एमपी गुजरात और राजस्थान में भील्स आते हैं। उसके बाद जो है लेपचा भुटिया कहाँ पे आएंगे, ये आपका सिक्किम में आ जाएगा, लेपचा भुटिया सिक्किम में आ जाएगा। फिर दाफला मिरी एबोर मिशमी ये कहाँ पे आएंगे, अरुणाचल प्रदेश में आएंगे। इसके बाद जो है त्रिपुरा में कोकबोरोक और लुशाई आ जाएगा, त्रिपुरा में कौन कौन से आएंगे, कोकबोरोक और आपका लुशाई जनजाति आएगा, और लुशाई जनजाति आपका मिजोरम में भी मिलती है। बात करते हैं आसाम में, आसाम में कौन कौन आ जाएगा, अहोम आ जाएगा, बोडो आ जाएगा, अहोम बोडो और कार्बी ट्राइब आ जाएगा। कार्बी जो है अभी हाल ही में न्यूज में चला है, तो आसाम में अहोम बोडो कार्बी आ जाएगा। टोडा जनजाति टोडा जो आपका तमिलनाडु से, अभी मैंने ऊपर बताया तो टी फोर तमिलनाडु हो जाएगा। चेंचू जो है, चेंचू आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आ जाएगा चेंचू, और गारो खासी जनता जो आपका कहाँ से, मेघालय में आ जाएगा। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो आपके ट्राइब्स है इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन कहाँ से है। इनमें से मेनली जो आपका बहुत सारे जो मैंने बता दिया है बहुत सारे टाइम में, तो इसको आप इतना भी कर जाइएगा आपको हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में, अगर आपको टोटल नहीं होगा तो आपको जो एलिमिनेट करने में उसमें हेल्प जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 करा है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। देखिए भारत में अभी तक टोटल जो है 5 गलियारा बन रहे हैं, 5 औद्योगिक आर्थिक गलियारा बन रहा है, जो कि आपका पहला जो बन रहा है आपका दिल्ली मुंबई गलियारा बन रहा है, दिल्ली मुंबई गलियारा बन रहा है। दूसरा है आपका बन रहा है आपका मुंबई बेंगलुरु गलियारा, मुंबई बेंगलुरु बन रहा है। तीसरा आपका बेंगलुरु चेन्नई गलियारा बन रहा है। चौथा है आपका अमृतसर कोलकाता गलियारा बन रहा है। और पांचवा हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा है, ईस्ट वेस्ट पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर बन रहा है। तो बात करते हैं पहले कौन कौन सा हमारा बन रहा है, तो इसमें जो दिल्ली मुंबई बन रहा है, दिल्ली मुंबई ये आपका जापान के हेल्प से बन रहा है। मुंबई बेंगलुरु बन रहा है आपका ब्रिटेन के हेल्प से, यूके के हेल्प से। फिर जो आपका बेंगलुरु चेन्नई जो आपका ये भी आपका जापान के हेल्प से बन रहा है। और बाकी जो ये दोनों है आपका कौन सा अमृतसर कोलकाता और आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये दोनों ही इंडिया बना रहा है, ये दोनों इंडिया खुद से बना रहा है। तो आपका पांचों का पांच जो आपका औद्योगिक गलियारा आपको पता चल गया। और यहाँ पे आपका जो लास्ट का 2 है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, आपका अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, ये दोनों ही भारत खुद बना रहा है। बाकी ऊपर के तीनों जो आपका हेल्प लेके बना रहा है जापान से और यूके से, यूके मतलब आपके ब्रिटेन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे क्वेश्चन 23 कराए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो धारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से नहीं आते हैं, तो इसमें जो आएगा आपका, देखिए जब हम बिहार का रचना देखते हैं तो बिहार के रचना में हमको जो एरिया मिलता है, मान लीजिए बिहार यहाँ से गंगा नदी जाती है, यहाँ का जो एरिया है आपका एक तो हो गया आपका कैमूर हो गया, एक रोहतास हो गया, इन दोनों एरिया में विंध्या पर्वत मिलती है, विंध्या रेंज की पर्वत मिलती है, विंध्या पर्वत मिलती है। बाकी जो यहाँ पे जो इस एरिया में हो गया आपको कौन कौन सा हो गया आपका जमुई नवादा गया और औरंगाबाद, ये सब के कौन सा एरिया में आ जाएगा, तो ये जो आएगा हमारा अब मुंगेर साथ में आ जाएगा, ये एरिया आएगा धारवाड़ रीजन का, आएगा धारवाड़ रीजन में ये आ जाएंगे। और यहाँ पे विंध्या रेंज में कौन आएगा, विंध्या रेंज में आपका कैमूर और रोहतास आएगा, जो कि आपका किसके लिए फेमस था, ये जो फेमस था आपके लिए आपको चूना पत्थर के लिए फेमस था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी हम रोहतास को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी मुंगेर में, जमुई में और नवादा में धारवार चट्टाने पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, 24 कह रहा है, बिहार में, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो जो गंगा के किनारे जो जिलों की संख्या आपकी कितनी है, 12 है। गंगा किनारे जिलों की स्थिति कितनी है, कितने जिले आते हैं गंगा के किनारे, तो 12 आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 को बहुत ज्यादा हो जाएगा, 17 जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा और 6 जो है बहुत कम हो जाएगा। तो एक एवरेज लेके चलेंगे तो 12 जिले आ रहे हैं पटना के, गंगा के किनारे आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 करा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो मुंगेर जिले में कौन सा है आपका, तो ये आपका भीम बांध आपका हो जाएगा मुंगेर जिले में, राजगीर आपका नालंदा जिले में हो जाएगा, वाल्मीकि आपका कहाँ पे पश्चिम चंपारण में हो जाएगा, और आपका ये जो गौतम बुद्ध हो जाएगा राजगीर सॉरी बौद्ध गया में हो जाएगा। तो ये मिनिमम गया। अगर बात करते हैं टोटल कितने, टोटल 11 हमारे आते हैं आपके, कितने अभयारण्य आते हैं, टोटल 11 आते हैं। उसमें से जो आपका कौन सा आपका जो एक होता है बरेला एस ए जेड एस जो आएगा आपका अभयारण्य आएगा, ये वैशाली में आता है अभयारण्य। फिर जो आपका भीम बांध आएगा, भीम बांध आपका कहाँ पे आएगा, मुंगेर में आएगा। फिर उसके बाद आएगा गोगाबिल भी बहुत फेमस है जो कि कटिहार में आता है, गोगाबिल कहाँ पे, कटिहार में। फिर जो है गौतम बुद्ध का जो अभयारण्य आता है वो आपका गया में आता है, गौतम बुद्ध गया बोध गया के आसपास है। फिर आपका कैमूर अभयारण्य कहाँ पे आएगा, रोहतास में। कैमूर अभयारण्य कहाँ पे, रोहतास में है। फिर कांवर झील जो आएगा आपका कहाँ पे आएगा, जमुई में, सॉरी कांवर झील कहाँ पे आपका, बेगूसराय में, जम्मू में। आपका कौन सा, नागा नटकी आपका कहाँ पे, जम्मू में है। कांवर झील आपका कहाँ पे, बेगूसराय में है। फिर आपका कुशेश्वर आता है, कुशेश्वर आपका दरभंगा में हो जाएगा। उसके बाद जो आपका संजय गांधी जो आपका बोटानिकल गार्डन, ये आपका चिड़ियाघर हो गया पटना का, पटना में हो गया चिड़ियाघर। फिर जो आपका राजगीर अभयारण्य कहाँ पे आएगा, आपका नालंदा में आ जाएगा। फिर उदयपुर अभयारण्य जो है आपका पश्चिम चंपारण में आएगा, उदयपुर अभयारण्य पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क आएगा, एक ही नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ पे आपका पश्चिम चंपारण में होगा। और यहाँ पे विक्रमशिला और एक जो है लास्ट बच गया, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, ये कहाँ पे आएगा, तो ये भी आपका भागलपुर में आएगा। तो कितने आके देख लीजिए फिर से एक बार, वाल्मीकि कहाँ पे आएगा आपका, वाल्मीकि जो आ रहा है पश्चिम चंपारण में आएगा, वेस्ट चंपारण में, राजगीर में आएगा आपका, नालंदा आएगा, नालंदा में आएगा राजगीर अभयारण्य, और गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे, गया चाहे बोध गया में आ सकता है, आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपको यहाँ पे आंसर क्या होगा, भीम बांध जो आपका मुंगेर में, कौन सा है भीम बांध आपका मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते एक बार फिर से देख लीजिए कि आपका जो आपका सैज अभयारण्य जो आपका बरेला अभयारण्य वो आपका वैशाली में, भीम बांध कहाँ पे आपका मुंगेर में, गोगाभील कहाँ पे कटिहार में। बात करते हैं आपका गौतम बुद्ध अभयारण्य जो आपका कहाँ पे, गया में हो जाएगा। फिर आपका कैमूर अभयारण्य आपका रोहतास में, कैमूर कहाँ पे, रोहतास के पास में। फिर कांवर झील जो बेगूसराय में हो जाएगा, कुशेश्वर दरभंगा में हो जाएगा, नागा नटकी जो का जमुई में हो जाएगा। फिर आपका संजय गांधी बोटानिकल गार्डन, ये आपका पटना का चिड़ियाघर है, नया चिड़ियाघर आपका अररिया में बन रहा है। राजगीर अभयारण्य कहाँ पे आपका, नालंदा में हो जाएगा। उदयपुर अभयारण्य कहाँ पे हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि एकमात्र नेशनल पार्क है वो आपका पश्चिम चंपारण में। और ये लास्ट हो जाएगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका भागलपुर में हो जाएगा। याद रखिए गंगटिक डॉल्फिन का रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में बन रहा है, गंगटिक डॉल्फिन का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है पटना में बन रहा है, और अभयारण्य जो आपका कहाँ पे, भागलपुर में है। तो यहाँ पे हमारा ये थीम, ये इस क्वेश्चन का जो थीम है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ सेंसस से संबंधित, तो सेंसस आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, सेंसस के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सेंसस एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा कि सेंसस से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सेंसस से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे आपका, गोपालगंज में। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे आपका, गोपालगंज में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपालगंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में हम देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ ट्राइब जो है मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे टोडा जो आपका केरला में है ये मैच नहीं कर रहा है। टोडा कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी पे ये मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ इंडिया इज बिंग डेवलप इन कोलाबोरेशन विद जापान। तो जापान के साथ कौन सा कोलाबोरेशन हो रहा है, तो आपका जो टोटल कितना है, टोटल 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिसके जो जापान हेल्प करा होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है। सबसे बड़ा आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही है जो कि जापान के हेल्प से बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, धारवाड़ चट्टान में कौन से नहीं आते हैं? तो ये आपका रोहतास जो है धारवाड़ चट्टान में नहीं आता है, ये विंध्या चट्टान में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 करा है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार स्टेट। तो बिहार स्टेट में जितने कितने डिस्ट्रिक्ट है जो कि गंगा नदी के किनारे पे है, स्थित है, तो ये आपका 12 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो आपका भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विथ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट सक्सेस रेशियो 2011 सेंसस। 2011 जनगणना के अनुसार जो हाइएस्ट सक्सेस रेशियो है कहाँ पे है आपका? तो ये आपका गोपालगंज में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाला वन क्षेत्र से घिरा है? आपका जो आपका ये हो गया कैमूर जिला हो जाएगा। और ये जो है वन रिपोर्ट जो अभी हाल ही में आया उसको देख उससे आपका यहाँ से क्वेश्चन बना, तो उसको भी आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन रिपोर्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इसको वन रिपोर्ट को अच्छे से डिस्कस कीजिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो आपका कैमूर जिला ये घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आपका पटना में जो आपका गंगा नदी सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पटना में, पटना में आपका जो पटना जो है कि कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है? तो 9 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। कौन कौन है आपका? लेफ्ट में आपका छपरा आरा छपरा हो जाएगा, आरा छपरा लेफ्ट में हो जाएगा। राइट में आपका बेगूसराय आपका लखीसराय हो जाएगा। ऊपर में आपका जो हो जाएगा नॉर्थ में, तो ये आपका हाजीपुर समस्तीपुर हो जाएगा। और नीचे में आपका अरवल हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा एक नालंदा हो जाएगा। तो ये सिंपल सा पटना घिरा हुआ है, आप इसको याद रखिएगा आराम से, बहुत ईजी वे में मैं बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, 2011 के देखिए फिर से जनगणना पे क्वेश्चन आ गया। यानी आप देख रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है? तो आपको शिवहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक घनी आबादी वाला जो दर्ज किया गया है, तो ये आपका शिवहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये आपका जापान हो जाएगा। कौन सा है आपका? जापान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो आपका जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जापान का, जापान जो है जापान के जो 4 आइलैंड है जिसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? होंशू आइलैंड है। सबसे बड़ा जापान का आइलैंड कौन सा है? होंशू आइलैंड है, जिसपे आपका टोक्यो जो है, टोक्यो जापान की राजधानी है। तो होंशू आइलैंड पे ही आपका टोक्यो जो है स्थित है। और इसको जापान को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं आपको, आपका किसको? जापान को कहते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सिटी है, एक तो नागोया सिटी है। नागोया किसके लिए? मोटर व्हीकल के लिए। मोटर व्हीकल के लिए कौन सा सिटी फेमस है? नागोया है। और एक जो आपका ओसाका जो आपका कपड़ा से यानी टेक्सटाइल के लिए, कपड़े के लिए फेमस है, कपड़े के लिए यानी टेक्सटाइल के लिए ओसाका जो है फेमस है। फिर बात करते हैं यहाँ पे होक्काइडो, होक्काइडो और होंशू के बीच में जो एक कौन सा जल संधि है? तो आपका सुगारू जल संधि। किसके बीच में आपका? होक्काइडो और आपका होंशू के बीच में है आपका सुगारू जल संधि। और यहाँ पे एक आइलैंड का क्यूरियल आइलैंड है, यहाँ पे एक क्यूरियल आइलैंड है जो कि डिस्प्यूट चल रहा है किसके किसके बीच में? जापान और रसिया के बीच में, जापान और रसिया के बीच में क्यूरियल आइलैंड को लेके यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा। और फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है यहाँ पे आपका आपका एटम बम से पूछता है कि हिरोशिमा पे जो है एटम बम कब गिराया गया था? तो आपका 6 अगस्त को एटम बम गिराया गया था, उसका नाम था लिटिल बॉय था। और ये जो है इसमें यूरेनियम भरा हुआ था, इसमें क्या भरा हुआ था? आपका यूरेनियम भरा हुआ था। फिर जो आपका आपका नागासाकी में 9 अगस्त को यहाँ पे एटम बम गिराया गया था, इसका नाम था फैटमैन गिराया गया था। और ये जो आपका इसमें जो था प्लूटोनियम था, इसमें क्या था? प्लूटोनियम था। और जापान में जो है आपका 2011 में एक फुकुशिमा ट्रेजेडी होता है, फुकुशिमा ट्रेजेडी आपका जापान में 2011 में होता है। यहीं पे आपका एक क्योटो शहर है जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, जो कि ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन से किया जाता है। फिर जो है जापान के बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है कि जापान जो आपका कौन कौन से प्लेट के बीच में आता है? जापान जो है 3 प्लेट के बीच में घिरा हुआ है, और कौन कौन सा प्लेट है वहाँ पे? तो पहला जो प्लेट है आपका कौन सा है? पहला तो यूरेशियन प्लेट हो जाएगा, दूसरा आपका फिलिपिन प्लेट है, और तीसरा अमेरिका नॉर्थ अमेरिका प्लेट। तो ये 3 प्लेट से जापान जो है, जापान की राजधानी टोक्यो जो है इस 3 प्लेट के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप कंप्लीट, ऑप्शन यहाँ पे
यहाँ पे जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो आपका जापान हो जाएगा ऑप्शन सी। और जापान क्या है सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा, फिर से देख लीजिए आपका होन्सू आइलैंड है, जो कि होन्सू पे ही क्या कौन सा आपका है टोक्यो इसकी राजधानी है। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। उसके बाद जो है नगोया जो है किसके लिए फेमस है, मोटर व्हीकल के लिए। ओसाका जो है कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। फिर जो है होकाइडो और होन्सू के बीच में कौन सा आपका जल संधि आपका, तो यह सुगारू जल संधि। और फिर जो आपका आता है कुरियल आइलैंड डिस्प्यूट है किसके बीच में, रसिया और जापान के बीच में। फिर जो हिरोशिमा नागासाकी का बता ही दिया, फुकुशिमा जो अटैच्ड हुआ था 2011 में हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन से संबंधित था। और जापान जो है तीन प्लेट के बीच में आता है, तो कौन कौन सा, पहला तो यूरेशियन प्लेट है, फिर आपका फिलीपींस प्लेट है, तीसरा आपका नॉर्थ अमेरिका प्लेट है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे मैंने जापान का अच्छे से बता दिया, तो आई विश कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 देखते हैं, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है, तो आपका कौन हो जाएगा आपका चिली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चिली हो जाएगा। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश कौन सा है, तो चिली हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है, तो आपका चिली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं चिली में, तो चिली में कौन सा डेजर्ट मिलता है, तो यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट मिलता है। कौन सा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है। और ये जो है सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट, सबसे सूखा डेजर्ट कौन सा है, तो आपका कौन सा, चिली में अटाकामा डेजर्ट सबसे सूखा डेजर्ट है माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ब्राजील का, तो ब्राजील में क्या है, तो ब्राजील में आपका एक तो आपका यहाँ पे जो घासलैंड घास मिलता है, कौन सा ग्रासलैंड मिलता है, कंपोज ग्रासलैंड मिलता है। यहाँ पे जो आपका घास का मैदान मिलता है कंपोज मिलता है। ब्राजील में अमेजोन के घने जंगल मिलती है, जिसको हमको वर्ल्ड का फेफड़ा कहते हैं, वर्ल्ड का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और यहाँ पे जो घासलैंड घास यानी ग्रासलैंड मिलता है वो कौन सा, सेल्वास घास के मैदान मिलता है। तो अमेजोन क्षेत्र में आपका सेल्वास घास के मैदान मिलते हैं, और ब्राजील में कौन सा, कंपोज घास के मैदान मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्राजील जो सबसे फेमस किसके लिए, तो ब्राजील जो फेमस है आपका कॉफी उत्पादन के लिए सबसे फेमस है। कॉफी के बगानों को यहाँ पे फेजेंडा कहा जाता है। और ये जो आपका यहाँ पे एक पोर्ट है कॉफी एक्सपोर्ट करने के लिए, तो कौन सा पोर्ट है, उसका नाम सेंटोस पोर्ट यहाँ पे रखा गया है। कौन सा पोर्ट है आपका, सेंटोस पोर्ट है। यहाँ के ब्राजील के सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, तो रियो डी जेनेरियो यहाँ पे सबसे बड़ा सिटी है, जहाँ पे एजेंडा 21 यानी अर्थ समिट हुआ था 1992 का। ठीक है, फिर जो आपका ये जो है चिली और ये यहाँ जो ब्राजील है, ब्राजील से चिली और इक्वाडोर है, ये दोनों बॉर्डर को टच नहीं करते, बाकी जितने भी साउथ अमेरिका के जो देश हैं वो ब्राजील से सीमा लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ब्राजील के रिगार्डिंग आपको याद होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे चाइना के, तो चाइना में जो है चाइना की चीन की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चीन की जो है यांगटेज नदी जो आपका, जिसको हम आपको यांगटेज नदी जो है आपकी, ये सबसे बड़ी है एशिया की सबसे बड़ी नदी यहाँ पे माना जाता है यांगटेज नदी को। और यहाँ पे है सोरो ऑफ चाइना, सोरो ऑफ चाइना किसको होते हैं, तो हवांग हो नदी को होते हैं। और हवांग हो नदी का दूसरा नाम क्या आपका, ये है आपका येलो रिवर जो है हवांगो नदी को कहते हैं, जिसको सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है। यांगटेज नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे जो डेजर्ट मिलता है चाइना में कौन सा है, गोबी डेजर्ट मिलता है आपका चाइना और आपका मंगोलिया के बॉर्डर पे मिलता है। यहाँ पे जो टकला मकान डेजर्ट भी है, और यहाँ पे तियानसा और कुल्लू सा पहाड़ है। कौन कौन सा, तियानसा और कुल्लू सा पहाड़ है। इंडिया चाइना के साथ युद्ध हुआ था कब, 1962 में, और इसमें से अक्साय चीन भारत लॉस कर गया था। तो ये हमारे चीन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। और ये जो है चीन जो आपका कौन सा अभ्यास करते हैं हम लोग, हैंड इन हैंड चीन के साथ कौन सा हम अभ्यास करते हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर जो बात करते हैं रसिया के साथ जो है इसका जो मॉस्को जो है इसकी राजधानी कहाँ पे, आपका यूरोप में आता है। बाकी जितने भी पार्ट हैं आपका किस में आते हैं, एशिया में आता है। और यहाँ की रसिया की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो व्लादिवोस्तोक जो आपका सबसे बड़ी सिटी है। कौन सी सबसे बड़ी सिटी है, आपका व्लादिवोस्तोक है। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है कौन सा है, आपका रेलवे लाइन है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, जो किसको जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। किससे आपका व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे।
यहाँ पे एक यूराल माउंटेन पाया जाता है और यूराल नदी भी पाई जाती है। यूराल माउंटेन और यूराल नदी जहाँ पे पाई जाती है, कौन कौन सा आपका यूराल माउंटेन और यूराल नदी पाई जाती है। यहाँ पे बैकाल साइबेरिया में बैकाल झील पाया जाता है जो कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट लेक है। तो सबसे वर्ल्ड का सबसे गहरा लेक कौन सा है, गहरा झील जो आपका बैकाल झील है, जो कि कहाँ मिलता है, साइबेरिया में ये पाया जाता है। और ये जो है इंद्र जो और भारत जो है इसके साथ रशिया के साथ इंद्र एक्सरसाइज करता है। तो ये चीज़ आपका रशिया के बारे में कुछ फैक्ट है जो कि आप हमको जानना चाहिए एग्जाम के रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 करा है, 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। तो सबसे ज्यादा संख्या में द्वीप कहाँ पे है, तो आपका इंडोनेशिया में होगा। और लगभग कितने द्वीप है, तो आपको 13,000 द्वीप यहाँ पे माने जाते हैं, 13,000 द्वीप है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आर्किपेलागो कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या कहते हैं, आर्किपेलागो कहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सुमात्रा आइलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है आपका, सुमात्रा आइलैंड में। यहाँ पे किसकी किसकी आपका प्रोडक्शन होता है, जिप्सम यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है। किसका किसका प्रोडक्शन होता है, तो जिप्सम का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे आपका मलक्का स्टेट मिलता है, मलक्का जल संधि, जो कि किसको अलग करता है, तो मलेशिया इंडोनेशिया को अलग करता है। मलेशिया इंडोनेशिया को मलक्का स्टेट अलग करता है। और यहाँ पे जो आपका भारत जो करता है, इसके साथ गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति यहाँ पे इसके साथ एक्सरसाइज करता है। किसके साथ करता है, आपका इंडोनेशिया के साथ करता है। फिर जो बात करते हैं आपका, आते हैं फिलीपींस पे। फिलीपींस जो आपका क्या करता है, फिलीपींस यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे एक लुजोन आइलैंड है, कौन सा आइलैंड, तो लुजोन आइलैंड है, जो कि कहाँ पे, मनीला के पास है। और मनीला में हेडक्वार्टर किसका किसका है, तो एडीबी का, एक तो एडीबी का हेडक्वार्टर है और दूसरा आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का जो आपका यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, फिलीपींस के मनीला में स्थित है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मनीला में है, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, मनीला में है। नेक्स्ट है हमारा आपका आता है क्यूबा। क्यूबा के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है आपका, इसको हम सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यानी विश्व का चीनी का कटोरा हम क्यूबा को कहते हैं। यहाँ पे मैक्सिको और क्यूबा जो सेपरेट करता है कौन से चैनल से, यूकाटन चैनल से। मैक्सिको और क्यूबा अलग करता है। और किसको किसको जोड़ता है ये यूकाटन चैनल, तो यूकाटन चैनल जोड़ता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को किससे, कैरेबियाई सी को, कैरेबियाई सागर से जोड़ता है। और यहाँ पे क्यूबा की राजधानी कहाँ पे, हवाना हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी कहाँ पे, हवाना हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 32 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा ईरान हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा आपका, ईरान हो जाएगा। सबसे ज्यादा केसर यहाँ पे उत्पादित होता है, केसर कौन सा है, ईरान हो जाएगा। और ईरान के बारे में क्या, ईरान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ईरान जो आपका, इसकी राजधानी तेहरान है, और इसने अपनी मुद्रा को चेंज किया जो जिसका नाम है तोमान। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे फैक्ट करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था ये। और इसकी जो आपके सुपर कंप्यूटर का नाम है सिमोग्र, और जापान का फुगाकू हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि सबसे, आप देखिए यहाँ पे थीम जो पूछा ना, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन वाला पूछा है कि सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। अब हम कुछ और चीज़ का बात करें, जैसे एप्पल के मामले में कौन है, एप्पल के मामले में कौन आपका है सबसे फेमस है, चाइना। एप्पल के मामले में एक नंबर पे कौन है, चाइना है। बनाना, केले के मामले में कौन है, भारत है। फिर जो है कोको के मामले में कौन सा, आइवरी कोस्ट है, आइवरी कोस्ट कोको के मामले में है। कोकोनट, नारियल के मामले में कौन सा आपका, इंडोनेशिया हो जाएगा। कॉफी के मामले में आपका ब्राजील एक नंबर पे है। कॉटन जो है, कॉटन के लिए चाइना, सी फॉर कॉटन, सी फॉर चाइना। जूट जो है, जूट में इंडिया टॉप पे है, जूट के लिए इंडिया टॉप पे है। मैंगो जो आपका, मैंगो के लिए इंडिया टॉप पे है। फिर जो आपका मिल्क जो है, मिल्क में भी आपका कौन सा आगे टॉप पे है, भारत ही टॉप है मिल्क में। और फिर जो आपका मिल्क के बाद क्या है आपका, पल्सेस, जो पल्सेस होता है आपका पपाया और पल्सेस में भी आपका, पपाया मतलब पपीता और पल्सेस दालों में भी इंडिया टॉप पे है, जो कि एक्सपोर्ट करता है। फिर जो है और कुछ देख लीजिए यहाँ पे, रबर जो है, रबर के लिए एक नंबर पे कौन है, थाईलैंड है, रबर के लिए थाईलैंड हो जाएगा। सिल्क जो है चाइना, सिल्क के लिए चाइना हो जाएगा। फिर जो है सोयाबीन जो है यूएस, सोयाबीन कहाँ से आएगा, यूएस टॉप पे है सोयाबीन के लिए आपका। फिर आपका शुगर कैन के लिए ब्राजील टॉप पे है, शुगर कैन के लिए ब्राजील है। टी जो है चाय के लिए चाइना टॉप पे है। और टोबैको के लिए भी चाइना, टोबैको के लिए भी कहाँ पे, चाइना, टोबैको मतलब चाइना ही फेमस है। उसके बाद वीट के लिए, वीट जो गेहूं होता है उसके लिए भी चाइना फेमस है, एक नंबर पे है। और उल के लिए आपका ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पे है। फिर तो यहाँ पे टॉपर का देख लीजिए, टॉप में कौन आता है, एप्पल। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल कौन सा है, तो एप्पल जो है चाइना। बनाना जो है इंडिया। कोका जो है आइवरी कोस्ट। कोकोनट जो है इंडोनेशिया। कॉफी जो है ब्राजील। कॉटन जो आपका चाइना। जूट जो है इंडिया। मैंगो जो है आपका इंडिया। मिल्क जो है इंडिया। पपाया एंड पल्सेस जो है इंडिया। रबर जो है थाईलैंड। सिल्क जो है आपका, सिल्क आपका चाइना। सोयाबीन जो है यूएस। शुगर केन जो आ गया ब्राजील में। टी जो हो गया चाय, वो आ गया चाइना। फिर आपका टोबैको चाइना। वीट चाइना। उल ऑस्ट्रेलिया।
ये सब चीज आपको थीम बेस्ड क्वेश्चन पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इसको देख के लिख लीजिएगा, देख रहे क्वेश्चन इसे बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेगा, चाहे आप 67 का एग्जाम दें चाहे 68 का दें, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं, अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसीडियस फॉरेस्ट कवर। तो सबसे जो डेंस डेसीडियस फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा कौन से नंबर पे है, तो आपका कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर। तो सबसे ज्यादा जो गंगा रिवर की, गंगा नदी की जो लेंथ है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो आपका पटना में हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिकॉर्डेड द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हाइएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन का कहाँ पे आएगा, तो शिवहर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो ज्योग्राफिकल एरिया के मामले में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो आपका हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर, तो आपका जापान हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा द कंट्री विद द विच है द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड। तो वैसी कंट्री जिसका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ आपका लैटिट्यूड है, तो ये कौन जगह आपका, आपका चिली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली। और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड कौन सा हो जाएगा आपका, इंडोनेशिया में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे Among the following country, which one of the is the largest producer of saffron in the world? Saffron सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, तो आपका कहाँ पे, ईरान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन वाला देश है। तो यूरेनियम के लिए आपका कौन सा फेमस है, आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो आपका कजाकिस्तान हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अब हम देखते हैं जो वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं एक नंबर पर कौन है, तो देखिए आप अगर यहाँ पे यूरेनियम के मामले में कौन हो गया, कजाकिस्तान हो गया। अगर बात करते हैं कोयला के मामले में कौन हो गया, चाइना हो गया, कोयला एक नंबर पर कौन है, चाइना है। नेचुरल गैस की बात करते हैं तो यूएस एक नंबर पर है। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो ये भी आपका यूएस एक नंबर पे है। थोरियम की बात करते हैं तो इंडिया एक नंबर पे है, थोरियम में इंडिया आता है एक नंबर पे। यूरेनियम की बात करते हैं तो कजाकिस्तान एक नंबर पे आता है। डायमंड की बात करते हैं तो रसिया एक नंबर पे आता है। और अल्मोनियम की बात करते हैं तो अल्मोनियम में क्या आ जाएगा आपका, चाइना एक नंबर पे। बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट जो है ऑस्ट्रेलिया में एक नंबर पे है। फिर जो बॉक्साइट के बाद बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पे। और आपका जो कॉपर होता है, कॉपर जो होता है चिली एक नंबर पे, कॉपर चिली हो जाएगा। फिर जो आपका गोल्ड जो है, गोल्ड चाइना एक नंबर पे है। फिर आपका आयरन ओर के लिए फेमस है आपका ऑस्ट्रेलिया। सिल्वर के लिए फेमस है आपका मेक्सिको। क्रोमियम के लिए आपका आ जाएगा चिली, क्रोमियम कहाँ पे, चिली हो जाएगा। फिर आपका आपका लिथियम के लिए आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा एक नंबर पे। चाइना, आप देखिए चाइना किस किस में आपका एक नंबर पे, चाइना जो हो जाएगा आपको सिंपल से याद करने के लिए, चाइना जो है जिंक में एक नंबर पे है। फिर आपका वेनेडियम में एक नंबर पे है, टीन में एक नंबर पे है। फिर आपका टाइटेनियम में एक नंबर पे है, मरकरी में एक नंबर पे है, गोल्ड में एक नंबर पे है, बिस्मथ में एक नंबर पे है। और फिर जो है अल्मोनियम में एक नंबर पे है आपका चाइना। मैंगनीज जो है कहाँ पे मिलता है, मैंगनीज आपका साउथ अफ्रीका में मिलता है। और आपका प्लैटिनम मिलता है आपका साउथ अफ्रीका में। मैंगनीज और प्लैटिनम कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में एक नंबर पे है। तो आपको इन सब चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, आप सब कुछ को सर्च करना पड़ेगा कि कौन से कौन एक नंबर पे आता है। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए, कोयला जो है, कोयला के लिए आपका कौन फेमस है, चाइना। नेचुरल गैस के लिए यूएस हो जाएगा। पेट्रोलियम के लिए यूएस हो जाएगा। थोरियम के लिए आपका आ जाएगा इंडिया। यूरेनियम आ जाएगा कजाकिस्तान। डायमंड जो आ जाएगा आपका रसिया आ जाएगा। फिर अल्मोनियम के लिए आपका चाइना आ जाएगा। बॉक्साइट आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। कॉपर के लिए आपका चिली हो जाएगा। फिर जो है आपका गोल्ड के लिए आपका चाइना, गोल्ड के लिए चाइना हो जाएगा। आयरन ओर जो है ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। फिर आपका सिल्वर जगह मैक्सिको में हो जाएगा। क्रोमियम जो जगह साउथ अफ्रीका। लिथियम जो होगा ऑस्ट्रेलिया में। लिथियम का ऑस्ट्रेलिया में। मैंगनीज जो जगह साउथ अफ्रीका में। और प्लैटिनम जो होगा साउथ अफ्रीका में। अगर बात करते हैं चाइना कौन कौन सा नंबर पे एक नंबर पे है, तो चाइना जो आपका जिंक में एक नंबर पे है, तो आपका वेनेडियम में एक नंबर पे है, फिर आपका टिन में एक नंबर पे, टाइटेनियम में एक नंबर पे, मर्करी, गोल्ड, बिस्मथ, अल्मोनियम, आपके इन सब में क्या है आपका एक नंबर पे आता है चाइना। ठीक है, इतने सारे चीज में चाइना एक नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हमारा भारत जो सिर्फ थोरियम में यहाँ पे एक नंबर पे आ रहा है। तो ये जो हमारा है आपका मिनरल में आपका एक नंबर पे कौन है, ये मैंने बता दिया आपको, इसको बहुत ही हेल्प मिलेगा आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी
जो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कौन सी है, तो यहाँ पर कार्डोमन की पहाड़ी है। कार्डोमन की पहाड़ी जो कन्याकुमारी से सटी हुई है। कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है, कन्याकुमारी को हम केप कोमेरोन भी कहते हैं। कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है, केप कोमेरोन है। और यहाँ पे बात करते हैं आप नीलगिरी की पहाड़ी का, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे, तो आपका नीलगिरी पहाड़ी जो आपका तमिलनाडु क्षेत्र में आता है। यहाँ पे ईस्टर्न घाट और पश्चिमी घाटी या पूर्वी घाटी यहाँ पे मिलती है, आके मिलती है आपकी कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके मिलती है कहाँ पे, आपका नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती है। इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है। यहाँ पे जनजाति निवास करते हैं, टोडा जनजाति निवास करती है यहाँ पे, और यहाँ पे टोडा जनजाति निवास करती है। अब बात करते हैं अन्नामलाई हिल का, तो अन्नामलाई जो पहाड़ी है इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अन्नाई मुड़ी है। इसके सबसे चोटी अन्नाई मुड़ी है, अन्नाई मुड़ी ना कि आपकी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि ये पूरे जो दक्षिण भारत, दक्षिण साउथ इंडिया की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाई मुड़ी ही है। और साथ में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ ये वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, यानी पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपके, अन्नाई मुड़ी है। अगर बात करते हैं पूर्वी घाटी का, ईस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपका, महेंद्रगिरी हो जाएगी। कहाँ पे महेंद्रगिरी, कहाँ पे, उड़ीसा में हो जाएगा। और वेस्टर्न घाट जो है ऊंची आपका सबसे ऊंची चोटी आपका अन्नाई मुड़ी, कहाँ पे आपका तमिलनाडु में है अन्नाई मुड़ी। ये चीज आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, ये आपका नॉर्थ कोयल हो जाएगा। सिंपल सा आपका गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा है, तो आपका नॉर्थ कोयल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 करा है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो चाय बागान कहाँ, कौन सी पहाड़ी पर नहीं है, तो आपका कहाँ पे, कानंदेव पे है, आपका नीलगिरी पे, दार्जिलिंग पे, गिरनार एरिया में नहीं हो, गिरनार एरिया में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका ये बात करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे चाय के लिए, चाय बागान के लिए आपका गिरनार एरिया आपका फेमस नहीं है। आप कौन सा स्टेट किसके लिए फेमस है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ राइस के लिए, जो चावल के लिए फेमस कौन है, वेस्ट बंगाल। चावल के लिए आपका कौन है फेमस, वेस्ट बंगाल है। बात करते हैं वीट के लिए, तो वीट के लिए आपका यूपी फेमस है। ज्वार के लिए आपका महाराष्ट्र हो जाएगा फेमस। अब बाजरा के लिए आपका राजस्थान हो जाएगा। बाजरा कौन सा है, राजस्थान में। बात करते हैं मेज के लिए आ जाएगा कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक। बार्ले जो आ जाएगा कहाँ पे, बार्ले राजस्थान में आएगा। बार्ले कहाँ पे, राजस्थान में। बार्ले मतलब जौ आ जाएगा राजस्थान में। जो चना आ जाएगा, चना जाएगा एमपी में आ जाएगा, चना एमपी में आएगा। फिर पल्सेस जो होगा आपका एमपी में आ जाएगा। ग्राउंड नट आएगा गुजरात में, ग्राउंड नट जो आता है गुजरात में आ जाएगा। सोयाबीन जो आएगा एमपी में आएगा, सोयाबीन कहाँ पे आएगा, एमपी में आएगा। शुगर केन कहाँ पे आएगा, यूपी में आएगा। शुगर केन मैं समझते हैं ना आप कि शुगर केन आपका यूपी में आएगा। सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर कहाँ पे, कर्नाटका में आएगा। कॉटन जो है आपका गुजरात में, कॉटन गुजरात में आएगा। रबड़ के लिए फेमस कौन है, कर्नाटका है, रबड़ के लिए कर्नाटका हो जाएगा। जूट के लिए आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। टी जो चाय है वो आसाम हो जाएगा। कॉफी जो है कर्नाटक, रबड़ जो है केरला और टोबैको जो है आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सा देख लीजिए, राइस जो आपका कहाँ पे, राइस वेस्ट बंगाल। वीट के लिए यूपी हो जाएगा। ज्वार के लिए महाराष्ट्र हो जाएगा। बाजरा के लिए राजस्थान हो जाएगा। मेज के लिए आपका कर्नाटक हो जाएगा। बाजरा फिर आपका बार्ले जो होगा जौ होगा, जौ राजस्थान में मिलता है। ग्राम जो है एमपी मध्य प्रदेश। पल्स जो है मध्य प्रदेश। ग्राउंड नट जो होगा आपका गुजरात। ग्राउंड नट जी फॉर गुजरात याद रखिएगा। सोयाबीन एमपी याद रखिएगा। शुगर केन यूपी हो जाएगा। सनफ्लावर आपका कर्नाटका हो जाएगा। कॉटन गुजरात हो जाएगा। जूट आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। टी जो है चाय आसाम हो जाएगा। कॉफी जो है कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक से हो जाएगा। रबर जो है केरला। फिर टोबैको जो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये चीज आपको देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 करा है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझर वाले घन से जिला हुआ है, तो भारत का पूछा, तो भारत में कौन हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। भारत में ये भी आ गया आपका फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से आया। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 करा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति पाई जाती है। परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो आपका मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में और लक्षद्वीप मिनिका में पाई जाती है। आपकी कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। इन सारे लोकेशन को आप मैप पे जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं लक्षद्वीप के, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नारको हो जाएगा। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारको है। यहाँ पे 36 आपका यहाँ पे आइलैंड है। टोटल कितने आइलैंड है लक्षद्वीप में, 36 आइलैंड है। और एक बात याद रखिए लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है कौन, ये आपका 9 डिग्री चैनल। अब मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करेगा कौन, 1 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। और आपका लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करेगा आपका 9 डिग्री चैनल। तो इतना चाहिए आपको लक्षद्वीप से संबंधित याद रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट फिर से एक जनगणना का क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन ये आपका जनगणना से। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। तो आपका जैन धर्म में जो साक्षरता होती है सबसे ज्यादा होती है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज
ये प्रतिशत प्राप्त की गई है, तो ये किया गया आपका जैन समय किया गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, तो आपका कजाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 कह रहा है, द हिल सिचुएटेड क्लोज टू द कन्याकुमारी आर, तो कन्याकुमारी से सटा हुआ हिल कौन सा है, तो आपका कार्डमोन हिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन, इनमें से कौन सी सहायक नदी जो है गंगा रिवर का पार्ट है, तो आपका नॉर्थ कोयल नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल डज नॉट हैव टी प्लांटेशन, किस पर किस हिल पे पहाड़ी पे चाय प्लांटेशन नहीं होता है, चाय का प्लांटेशन नहीं होता है, तो आपको गिरनार एरिया में प्लांटेशन नहीं होता है चाय का, बाकी तीनों जगह होता है। फिर जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 38 करा है, इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट, तो डेंस फॉरेस्ट के अंदर में कौन सा आता है, तो आपका एरिया जो होगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज वाइज कहाँ पे जाएगा, आपका मिजोरम में परसेंटेज वाइज चला जाएगा। फिर आपका कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो कोरल रीफ आपका गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं पाया जाता, बाकी तीनों में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, Among the following religious group, which one has recorded the highest percentage of the literacy rate as per 2011 census? तो सबसे ज़्यादा literacy rate किनका होता है, तो आपका जैन धर्म का होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही सेट रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।